22 जनवरी को श्री राम जन्म भूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है, जिसको लेकर घर घर अक्षत चावल बांटे जा रहे हैं जो अयोध्या से आए थे, और लोगों से अपील की जा रही है कि 22 जनवरी को लोग इस पावन कार्यक्रम को दीपावली के रूप में मनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। ये आप जो अक्षत चावल दे रहे हैं तो किस तरह का आप अपील कर रहे हैं लोगों से? ये हमारा एक परम पवित्र त्यौहार है। जैसे हमारे राम भगवान का अयोध्या वापस आए हुए थे, वो 14 वर्ष के बाद आए हुए थे, तब लोग बागों ने दीपावली मनाई हुई थी। आज हमारे भगवान का ये गृह प्रवेश हुआ, ये गृह प्रवेश उनका 498 साल बाद हो रहा है, यानी समथिंग 500 साल बाद। तो ये दीपावली एक धूमधाम से मनेगी है, 22 तारीख को, 22 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में ये दीपावली मनाई जाएगी, और ये भगवान श्री राम का गृह प्रवेश है। आज सामाजिक उत्थान मंच एवं मां दुर्गा और मैदानेश्वर शिव पार्वती मंदिर समिति कंचनपुरा द्वारा ग्राम कंचनपुरा विनायक खेड़ी में अक्षत पुष्प घर घर वितरण कर आमंत्रण दिया गया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को घर घर तक पहुंचाया कि 22 जनवरी को अयोध्या न जाते हुए अपने घर घर दीपावली मनाएं, दीपक जलाकर, पटाखे फोड़कर या धार्मिक आयोजन कर। वहीं कंचनपुरा दुर्गा मंदिर पर 22 जनवरी को सुबह आरती एवं 10 बजे से भजन संध्या एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा, उसमें उपस्थित होने के लिए भी आमंत्रण दिया। दोनों समिति कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। विनायक खेड़ी में सामाजिक उत्थान मंच शिक्षिका आरती परिहार एवं एकता परिहार द्वारा चाय पानी देकर यात्रा का स्वागत किया। कंचनपुरा पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मलखान परिहार एवं हरिचरण चंदेल वहल के परिहार पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। समिति द्वारा कंचनपुरा विनायक खेड़ी में जो 500 वर्षों से राम जी एक टेंट के पंडाल में बैठे हुए थे, आज वो 22 जनवरी को उनके घर में विराजमान होंगे, उस उत्सव को हम दीपावली के रूप में मना रहे हैं, एक भव्य दीपावली के रूप में मनाएंगे, जिसका हमने घर घर जाकर विनायक खेड़ी एवं कंचनपुरा में चावल अक्षत पुष्प देकर निमंत्रण दिया गया है कि आप अयोध्या न जाते हुए उस दिन अपने अपने घरों पे 5 दीपक, 11 दीपक, 51 दीपक के माध्यम से आप घरों पे दीपावली मनाएं, पटाखे चलाएं, आपके आसपास मंदिरों के दर्शन करें, मंदिरों पे धार्मिक आयोजन करें, जिसमें कंचनपुरा मंदिर समिति द्वारा भी एक धार्मिक आयोजन का अनुष्ठान रखा गया है। मंगलवार को नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व पार्षद अरविंद गुप्ता ने जिला कलेक्टर अमनवीर सिंह से सौहार्द भेंट की, पुष्प गुच्छ भेंट कर नगर पालिका की ओर से स्वागत किया। इस दौरान श्रीमती गुप्ता ने नगर पालिका द्वारा शहर में कराए जा रहे विकास कार्यों से अवगत कराया तथा शहर विकास में जिला प्रशासन का सहयोग की अपेक्षा की। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने सीवर प्रोजेक्ट, ऑडिटोरियम निर्माण, पेयजल व्यवस्था, हाट रोड रफ्तार चौड़ीकरण एवं शहर में चल रहे अतिक्रमण पर चर्चा की। कलेक्टर अमनवीर सिंह ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर पालिका को पूर्ण सहयोग करने तथा का आश्वासन दिया। JCI गुना सेंट्रल का शपथ ग्रहण समारोह रामलला के दरबार परिसर ओरछा धाम में बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंडल के ऊर्जावान अध्यक्ष JC आनंद मिश्रा एवं विशिष्ट अतिथि मंडल उपाध्यक्ष JC आदित्य सोनी शपथ विधि अधिकारी के रूप में एवं जोन सेक्रेटरी JC अमृता शर्मा उपस्थित हुए। इस अवसर पर शपथ विधि अधिकारी द्वारा सत्र 2024 के अध्यक्ष JC सुमित अग्रवाल को एवं बोर्ड के सभी मेंबरों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष एवं संस्था सदस्य उपस्थित रहे। अंत में आभार संस्था सचिव JC गौरवगढ़ द्वारा दिया गया है।